Good morning, students. We are going to read the chapter Little Tiger, Big Tiger from the book Marigold, class 3. Little Tiger, Big Tiger. There was a mother tiger and her small tiger cub. Ek mother tiger thi aur uska ek chota bachcha tha. Tiger ke bachche ko cub bolte hain. Okay? They lived near a river, in a shady jungle. वो एक नदी के पास घने जंगल में रहते थे. Shady jungle मतलब घने जंगल में रहते थे. Near पास. When the sky was dark, जब आसमान में अंधेरा होता था, the mother tiger hunted for deer and pig. Mother tiger किसका शिकार करती थी? Deer और pig का. The tiger cub stayed close by his mother's side. और जो टाइगर कब था, मतलब टाइगर का बच्चा था, वो अपनी मदर के साइड में ही रहता था, उसके पास ही रहता था. When the langur monkey saw her, he called the loud harsh call. जब लंगूर मंकी उसको देखता था, वो तेज कर का शब्द में बोलता था. What? Watch out. Means सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ. A tiger is coming. एक टाइगर आ रहा है. The sambar deer blowed. Sambar deer means a type of मतलब प्रजाति. Blowed चिल्लाता था. The cocker deer bark. Cocker deer भौंकता था. And sometimes the game got away. और ऐसे ही वो बच जाते थे. कभी कभी बच जाते थे. See, hunted then for jungle, for pheasant and for frog. और जब उसे यहाँ से कोई जानवर नहीं मिलता था, फिर वो कहाँ जाती थी? Fall का शिकार करने, a type of bird, like पक्षी है, ठीक है? Pheasant भी तीतर कहते हैं, ये भी पक्षी है, और या फिर frog. और went to the river for fish, या फिर रिवर में जाती थी फिश के लिए. But she did not hunt every night. लेकिन वो हर रात शिकार नहीं करती थी. If the moon was bright, अगर चांद चमकीला होता था, the mother tiger lay down and waited for the dawn. तो मदर टाइगर क्या करती थी? ले डाउन कर देती थी, मींस त्याग देती थी, नहीं कोई शिकार करती थी जब मून चमकीला होता था. एंड वेटेड फॉर द डाउन मींस सी वेट फॉर द नेक्स्ट डार्क नाइट. ओके, डाउन मतलब तो अगली सुबह के लिए, बट फॉर हर कि वो अगली रात, अंधेरी रात का वेट करती थी. एंड सी ट्विस्ट the tip of her tail and the tiger cub pounced on her tail again and again. और वो अपनी जो tail को twist कर देती थी, और जो tiger cub था वो क्या करता था, बार बार उसको झपट्टा देता था उसकी tail पे, ठीक है? Pounce, झपट्टा देना. Okay, she twist the tip of her tail. वो अपनी टेल को ऐसे मोड़ लेती थी. एंड द टाइगर का पॉन्स ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन. और उसकी टेल को बार बार उसका बच्चा क्या करता था, पॉन्स झपट्टा देता रहता था. तो यू हैव सम न्यू वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ, लाइक इन दिस पेज. न्यू वर्ड्स को आप कॉपी में लिखेंगे एंड यू विल सर्च द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. ओके, लाइक शेडी जंगल, और बताओ, वॉच आउट, बिलोड, ये सारे न्यू वर्ड्स आप लिखेंगे अपनी कॉपी में. ले डाउन यहाँ से होगा. हंटेड, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ हंट यू कैन राइट. पेशेंट, तीतर. फॉल, अ टाइप ऑफ बर्ड. यू कैन राइट this all new words in your English copy.
okay, and then write the meaning also. Thank you.